राजस्थान पीएचडी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले आज जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को आरडब्ल्यूएसएससी में परिवर्तन करने के विरोध में प्रदेशव्यापी आंदोलन के तहत अजमेर में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के साथ कर्मचारी संगठन और अधिकारियों ने जलदाय विभाग कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक विरोध मार्च निकाला। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप कर निजीकरण के विरोध में अपना एक ज्ञापन सौंपे, इस काले आदेश को वापस लेने की मांग की गई। विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि राज्य सरकार आम जनता के साथ पहले ही खिलवाड़ कर रही है और परिवहन विभाग बिजली विभाग निजी हाथों में सौंप दिया है, अब जलदाय विभाग को भी निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। ये सभी जनता से जुड़े विभाग है जिन्हें निजी नहीं किया जा सकता, इसके कारण जनता को परेशानी होगी और कर्मचारियों के साथ विश्वासघात होगा। अब पानी के दाम बढ़ने के साथ साथ कर्मचारियों के साथ भी कुठाराघात किया जाएगा। ऐसे में आज अधिकारी कर्मचारी वर्ग में अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए आरडब्ल्यूएसएससी आदेश को वापस लेने की मांग रखी है। ऐसा नहीं होने पर कर्मचारी और अधिकारियों की ओर से आंदोलन लगातार जारी रहेगा। हम लोग आज यहाँ आरडब्ल्यूएसएस के क्रम में जो अपनी राज्य सरकार जो है पीएचडी विभाग का निजीकरण करने जा रही है उसके विरोध में यहाँ कलेक्ट्रेट इकट्ठे हुए हैं। मुख्यमंत्री महोदय के नाम पर हमने आज ज्ञापन दिया है और यदि हमारी मांगों को मुख्यमंत्री स्तर तक नहीं माना जाता है 28 तारीख तक हम वेट करेंगे, फिर 29 तारीख को विधानसभा और सीएम ऑफिस जो है सीएम कार्यालय जो है वहां पर मुख्यमंत्री के आवास पर जो है धरने के लिए इकट्ठे होंगे। और आज हमारे यहां पर सभी भी जितने भी कार्यालय हैं उसमें अधिकारी कर्मचारी सभी संवर्ग के लोगों ने छुट्टी भी रखी है इस उपलक्ष्य में और हम पूरा विरोध करते हैं इस चीज़ का। आरडब्ल्यूएसएस नहीं लगना चाहिए, हम उसके अंदर काम नहीं करना चाहते हैं। इससे न केवल हमें नुकसान है अपितु प्रदेश की पब्लिक को भी बहुत ज़्यादा नुकसान है। पानी के बिल जो हैं 10 से 17 गुना बहुत ज़्यादा बढ़ने की उम्मीदें हैं, तो हम इसका एक साथ मिलकर सभी लोग विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल पानी के बिल जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आप देख रहे हैं कि नगर निगमों के अंतर्गत या इनमें जो भी होते हैं उनके पानी के बिल जो हैं अभी वर्तमान में हमारा पर केएल जो है 5 रुपये के हिसाब से चल रहा है, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये जो आम पब्लिक है वो उसके बोझ को शायद झेल नहीं पाएगी। आगे क्या रहेगा आपका अगर मांगे पूरी नहीं? आगे से निर्देश मिलेंगे। फिलहाल हमें ये पता चला है कि अगर 28 तक मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो 29 तारीख को हम जयपुर जो है विधानसभा और सीएम मुख्यालय पर जो है वहाँ के लिए कूच करेंगे। आज हमारा ये जो जलदाय विभाग में जो निजीकरण किया जा रहा है उसके लिए हम ये पूरा विरोध प्रकट कर रहे हैं। जलदाय विभाग के सारे अधिकारी कर्मचारी और मंत्रालय कर्मचारी सभी हमारे साथ में हैं। पूरा जलदाय विभाग आज सामूहिक अवकाश लेके बैठा हुआ है और अभी हमारे ऊपर से जो निर्देश मिलेंगे उसके हिसाब से हम कार्यवाही करेंगे। हो सकता है हम 29 तारीख को विधानसभा का घेराव भी कर सकते हैं और मुख्यमंत्री के आवास का भी घेराव करेंगे। अभी हमारे को निर्देश मिलने पर ही हम आगे की कार्यवाही करेंगे। जो निर्देश मिलेंगे उसकी पालना की जाएगी। ये पूरे राजस्थान के अंदर कर्मचारी अधिकारी मंत्रालय कर्मचारी सामूहिक अवकाश में पीएचडी डिपार्टमेंट को निजीकरण किया जा रहा है। इस विरोध में सारे कर्मचारी अधिकारी मंत्रालय कर्मचारी आज सामूहिक अवकाश पे पूरे राजस्थान में इस निजीकरण से कर्मचारियों के अलावा आम पब्लिक पे वजन पड़ेगा। जो बिल आज 200 रुपये का आ रहा है वो प्राइवेट कंपनी में जाने के बाद में हो सका 500 का हो जावे, 1000 का हो जावे। कर्मचारियों को तनख्वाह टाइम पे नहीं मिलेगी। इस विरोध में हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अजमेर में आज करीब 400-500 कर्मचारी है, अधिकारी भी है कर्मचारी भी है, सभी हड़ताल पर। आगे जो प्रदेश जो जो हमारे को सूचना मिलेगी उस हिसाब से हम आगे कार्य करेंगे।